नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुरुग्राम में खेड़की डोला टोल के शिफ्ट होने का रास्ता अब साफ हो चुका है। जीएमडीए ने पंचगांव में दी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन। जीएमडीए ने एनएचएआई को सौंपा टोल के लिए ऑफर लेटर। टोल से परेशान लोगों की एक बार फिर से जगी है उम्मीद। जाम टोल गेट से लोग काफी लंबे समय से थे परेशान, तो जाम और टोल रेट को लेकर परेशान थे लोग, और फिलहाल अब लोगों के बीच एक और उम्मीद जगी है। गुरुग्राम के खेड़की डोला टोल के शिफ्ट होने का रास्ता अब साफ हो चुका है। टोल से परेशान लोगों की एक बार फिर से उम्मीद जगी है। जाम को टोल रेट को लेकर लंबे समय से लोग परेशान थे और अब लोगों को जाम से भी निजात मिल जाएगी। गुरुग्राम से ये बड़ी और अहम जानकारी। तो आपको बता दें, खेड़की डोला टोल के शिफ्ट होने का रास्ता अब साफ हो चुका है। जीएमडीए ने पंचगांव में 30 एकड़ से ज्यादा की जमीन दी, जिसके बाद अब वहां रहवासियों के लिए एक बार फिर से राहत की उम्मीद जगी है। टोल को लेकर लंबे समय से लोग परेशान थे और अब लोगों के बीच एक नई उम्मीद जगी। गुरुग्राम के खेड़की डोला टोल के शिफ्ट होने का रास्ता साफ हो गया है। जीएमडीए ने टोल के लिए पंचगांव में जमीन अलॉट कर दी, जिसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ऑफर लेटर भी सौंप दिया गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता राज वर्मा की रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के लोगों के लिए मुसीबत बना खेड़की डोला टोल प्लाजा के हटने का रास्ता अब कहीं ना कहीं साफ होता नजर आ रहा है। दरअसल जीएमडीए ने एनएचआई को करीब 30 एकड़ जमीन का एक ऑफर लेटर सौंपा है, जो कि गुरुग्राम के पचगांव के पास केएमपी के नजदीक है। यानी कि जो खेड़की डोला टोल प्लाजा है, उसे अब यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा पचगांव में। इस तरह की एक उम्मीद एक बार फिर से अब जगी है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार जो है सरकार की तरफ से और अलग अलग एजेंसीज की तरफ से दावा किया गया था कि खेड़की डोला टोल प्लाजा को यहां से जल्द शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से जो मुश्किलें लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि अधिकांश समय जाम लगा रहता, फास्ट टैग भी शुरू हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखेंगे तो पीक आवर्स में खास तौर से लोगों को काफी देर तक जाम में दो दो हाथ यहां पर करने पड़ते हैं। इसके अलावा गुरुग्राम से मानेसर और द्वारका एक्सप्रेस के आसपास बसे कमर्शियल और नॉन कमर्शियल इलाकों में जो लोग हर रोज आते हैं, उन्हें भारी भरकम टोल चुकाकर जो है वो अपने घर या ऑफिस के लिए हर रोज आना जाना पड़ता है, जो एक नई मुश्किल कहीं ना कहीं लोगों के लिए बन रही थी। अब ऐसे में जीएमडीए ने जो ऑफर लेटर दिया है, उससे इन तमाम लोगों को एक उम्मीद जगी है कि जल्द खेड़की डोला टोल प्लाजा यहां से हटकर पचगांव चला जाएगा, ताकि हजारों लाख लोगों को जो है वो इसमें एक राहत मिलेगी। इससे पहले गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित एक कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था कि अगले 6 महीने में खेड़की डोला टोल प्लाजा को यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़।